मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले कुछ महीनों में हमारे ऊपर छापे और गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने इंडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें और छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि यह सरकार बदले की राजनीति कर रही है, इसलिए हम पर छापे डलवाए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता को इसी से आंका जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार हम पर ही अटैक कर रहे हैं। खड़गे ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमें आने वाले महीनों में कुछ और हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सरकार के बदले की राजनीति की वजह से छापे और गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। हमारे गठबंधन की जमीन जितनी मजबूत होगी उतना ही एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल बीजेपी की ओर से किया जाएगा। इन लोगों ने महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में ऐसा ही किया था। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह इन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा करना शुरू कर दिया। खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता यही है कि पटना और बेंगलुरु की मीटिंग के बाद पीएम मोदी लगातार हम पर सीधा हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी तो अब हमारे गठबंधन पर हमला करते हुए देश के नाम को आतंकी संगठनों से जोड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे देश के नाम को आतंकी संगठन और गुलामी के प्रतीक से भी जोड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा था कि नाम में क्या है, इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया आता है। उन्होंने कहा कि आज तो बुद्धिजीवी, पत्रकार, मिडिल क्लास, पिछड़ा समेत सभी वर्ग बीजेपी की तानाशाही झेल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज हेट क्राइम चरम पर है, रेप के दोषियों को छोड़ा जा रहा है और कुकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने बीते 9 सालों में जो सांप्रदायिक जहर खोला है उसका असर अब दिख रहा है। हाल ये है कि ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों और स्कूलों में पढ़ने जा रहे छात्रों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। यहाँ तक कि गैंगरेप के दोषियों को रिहा किया जाता है और फिर उन्हें सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।